हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फर्नीचर हाउस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक कार्बिन वाला बेड दिखाऊंगा और कंप्लीट इस कार्बिन वाले बेड की आपको डिटेल बताऊंगा कि आप कहीं से भी कार्बिन वाला बेड लें तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दोस्तों, आप देख सकते हैं बेड को, अभी हमने इसका बक्सा नहीं लगाया, सिर्फ इसका हेड साइड और ये लेग साइड है। जिसका दोस्तों हेड साइड हो गया और इसका लेग साइड हो गया, इसका लेग साइड है, आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ कलर मार के रखा हुआ है, फाइनल टच मतलब PU भी मारना इसमें बाकी है। PU मारने के बाद इसमें पूरी प्रॉपर शाइनिंग आएगी। अभी सिर्फ हमने इस पर जो भी नॉर्मल होता है घिसाई करके भराई करके सब हमने इस पर रख दिया है। जब फाइनल हम इस पर मारेंगे तब ये और ज़्यादा शाइन करेगा। अभी नॉर्मली शाइन कर रहा है, जब मार देंगे और मतलब PU जो होता है PU मेलामाइन ग्लॉसिस जो भी है जिसमें मारेंगे तो और ज़्यादा शाइनिंग करेगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि पूरा कार्बिन वाला बेड है और कार्बिन वाले बेड आप देख सकते हैं, जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सारे, ये दोस्तों सारे हाथ से बनाए जाते हैं। पहले तो हाथ से बनते थे, अब तो मशीनों से बनते हैं। ये मशीन से भी बनाते हैं, कहाँ जहाँ मशीनें नहीं होती वहाँ हाथ से बनाते हैं ज़्यादातर, तो अब तो मशीनें से बनते हैं ये सब, और पहले तो सब हाथ से बनाते थे। ये दोस्तों, ये जो पूरा बेड है पूरा लकड़ी पर बना हुआ है, पूरा आप जितना भी देख रहे हैं सब डिज़ाइन ही सब लकड़ी पे हुआ है। कोई NDF बोर्ड, कोई पार्टिकल बोर्ड ये सब नहीं यूज़ हुआ है, ये सब पूरा लकड़ी पे बना हुआ है। जो भी फ्लावर ये सब मतलब पूरा ज़मीन से लेकर ऊपर तक पूरा लकड़ी पे है ये। और अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो दोस्तों पीछे एक कलर हो चुका है, इसलिए आपको पता नहीं लगेगा कि लकड़ी पे है किस पे है। इस पर जो पॉलिश होगा दोस्तों वो नेचुरल पॉलिश होगा, नेचुरल मतलब टीक कलर, जो टीक कलर का जो पॉलिश होता है वही इस पर पॉलिश होगा पूरा टीक कलर। आप चाहे तो उस पर कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर करवा सकते हैं, डार्क रोज़ वुड जो आपका मन करे वो आप उस पर करो, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर नेचुरल कलर ही प्रेफर करते हैं। नेचुरल कलर इसलिए करते हैं कि पूरी लकड़ी का बना है तो लकड़ी के जो रेशे होते हैं वो दिखना चाहिए। और सागवान में दोस्तों बहुत सारी लकड़ियाँ आती हैं, एक आती है इंडियन सागवान, एक आती है निगम। दोस्तों ये निगम वाली सागवान है, टीक जिसे टीक भी कहते हैं कुछ लोग, और इंडियन सागवान को लोग देसी भी कहते हैं, देसी सागवान। उसके साथ साथ अगर फिर चौड़ाई देखेंगे कितनी मोटी, ये 4 इंची ये मोटा है, यहाँ से देखेंगे कितना मोटी इसमें लकड़ी है, 4 इंची मोटे पटरे पे ये पूरा कार्बिन वर्क हुआ है। और एक उसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और बेड दिखाऊं, आप ये बेड भी देखेंगे तो दोस्तों ये पूरा कार्बिन बेड है, ये पूरा कार्बिन हुआ हुआ है, कार्बिन पे ही बना है। मतलब कार्बिन उसे कहते हैं जो हाथों से जो हाथों से मशीन से जो डिज़ाइनिंग करते हैं लकड़ी पे, उसे कार्बिन कहते हैं। और अगर पीछे से दिखाऊं तो पीछे से आपको क्लियर हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये पूरा लकड़ी पे है, ये पूरा कार्बिन वर्क है, मतलब ये पूरा लकड़ी है पूरा, कहीं से प्लाई बोर्ड ये सब नहीं यूज़ हुआ है। इसलिए थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि थोड़े महंगे बनते हैं बेड, उनके साथ साथ इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि नॉर्मल बेड से, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। बस यहाँ थोड़े कॉस्टली रहते हैं, नॉर्मल बेड से थोड़े ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है और इनमें पॉलिश करने में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लुक आती है क्योंकि लकड़ी पे हैं, तो इसलिए पॉलिश करते हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी लुक आती है। कहीं से भी कार्बिन बेड लें, कहीं से भी आप कार्बिन बेड लें, आप देख लें प्रॉपर पहले पॉलिश होने से पहले कि हाँ वो प्रॉपर पहले लकड़ी का है कि नहीं, कि सिर्फ मतलब जो ये रेशे दिख रहे हैं दोस्तों ये तो हाथ कलर से भी बन जाते हैं पॉलिश होकर, प्लाई बोर्ड पर भी रेशे बन जाते हैं। सबसे पहले अगर आप कहीं से भी कार्बिन बेड लें तो आप प्रॉपर पहले देख लें पॉलिश होने से पहले कि हाँ भाई पॉलिश होने से पहले कि पूरा लकड़ी है कि नहीं है, ताकि पता चले आपको कि वो बाहर बाहर लकड़ी है पीछे बोर्ड है। तो प्रॉपर आप पहले बिना पॉलिश हुए उसे देख लें, पूरा सेटिस्फाई हुए तब जाके उन्हें लें, और जब लें तो पूरा प्रॉपर उनकी पॉलिश देख रहे हैं किस कलर किस क्वालिटी की पॉलिश हुई, पॉलिश ही मेन है। और आप लें तो उनसे बोलें कि PU पॉलिश हमको करके देंगे, PU पॉलिश की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि मेलामाइन पॉलिश से। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेरी है फर्नीचर रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस बेड के बारे में और डिटेल जाननी है तो हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल मिल जाएगी इस बेड के बारे में।